फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ पिक्सी हाउस में, जो विरार वेस्ट में है। जैसे आप आओगे अंदर तो आपको ये इनका ब्यूटीफुल सा डिस्प्ले टैंक देखने मिल जाएगा। और ये देखिए, ये सब यहाँ पे पूरा इनका फिश स्टॉक है। सो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स, पहले ये सेक्शन है पूरा बीटा का। यहाँ पे बहुत से आपको डबल टेल बीटास देखने मिलेंगे, डम्बोयर्स है, प्लाकार्ट है, क्राउन टेल्स है, और एक एक करके हम अभी आपको सब बताते हैं बीटास। तो ये देखिए, ये ब्लैक में है क्राउन टेल यहाँ पे, और रेड में भी है, इसमें और भी बहुत से क्राउन टेल्स है। और क्राउन टेल्स का कैसा रहेगा प्राइस रेंज? क्राउन टेल सर रेगुलर जो है वो 150 के है। अच्छा। ब्लैक क्राउन टेल है वो 200 रुपीज ईच है। अच्छा, 200 का है ब्लैक वाला। ओके। तो काफी साइज भी अच्छा है इनका सर, 2.5 इंच बॉडी साइज है, और फ्लेयर करेंगे तो और भी ब्यूटीफुल लगता है। ये ब्लैक वाला अभी यहाँ पे है, ये देखिए, बैकग्राउंड की वजह से दिख नहीं रहा है, ब्लैक पूरा ब्लैक है। ये व्हाइट में रखेंगे ना, काफी अच्छा लगेगा। शाइनी सिल्वरिश बॉडी है इसका, ये भी अराउंड 200 का रहेगा। यस सर, यस, ये ब्लैक और ये वाले है ना, खाली 200 के। अच्छा, बाकी जो नॉर्मल कलर है, हाँ, ब्लू कलर में भी है, ये सब ऐसे वाले है, 150 का। ओके। और नीचे मैं बहुत से डम्बोयर्स देख रहा हूँ। तो ये देखिए, इसमें डम्बोयर प्लाकार्ड है, कैंडी प्लाकार्ड भी है, एक कैंडी है इधर, ये देखिए, इसमें भी अच्छा खासा ऑरेंज है, ब्लैक में भी है, इसमें ब्लूइश पैटर्न भी है। ये देखिए डम्बोयर प्लाकार्ड, फ्लेयर करते हैं तो काफी ब्यूटीफुल लगते हैं। तो डम्बोयर कैसा है प्राइस में? ये 350 रुपीज ईच है सर। अच्छा, और ये जो कैंडी, कैंडी वाला है वो 400 रुपीज का। अच्छा, 400 का। ओके। और भी डम्बोयर्स है यहाँ पे, ये देखिए, थोड़ा मरूनी शेड है ये। और ये देखिए कैसे फ्लेयर कर रहा है ब्लू में, यार देखिए कितना बड़ा बड़ा है इसका। और यहाँ पे भी एक है, ये देखिए, और फुल वाइट में भी अवेलेबल है, ये फुल वाइटिश पे है, लाइट ब्लू फिन जैसा, ये देखिए। और भी सर ये प्रीमियम रेंज नंबर यार वगैरह ये सब प्लाकार्ड्स का शिपमेंट है, ये फरवरी के एंड में आने वाला है। अच्छा अच्छा, स्पेशल वीडियो एक बना लेंगे। ओके। तो भी अभी भी बहुत से प्लाकार्ड्स है, और यहाँ पे सब ये फुल मून है ना यहाँ? यस सर, फुल मून है, ये प्योर वाइट, देखिए प्लैटिनम बॉडी है, सब वाइट, ये देखिए फुल वाइट में है, सब अराउंड बोल सकते 2.5 इंच तक साइज है, बॉडी साइज काफी अच्छा है। हाँ, ये देखिए फ्लेयर करेगा, ये देखिए। हाँ, ये यहाँ पे सर रेड डॉट है, हाँ, व्हाइट पे रेड डॉट रहता है, गोल्डन और ऐसा बॉडी। और ये बाजू में वो मस्टर्ड बैठा है, हाँ, मस्टर्ड है, ये भी 250 है, दोनों भी 250 वाले। अच्छा। रेड डॉट वाला भी थोड़ा सा महंगा आता है बाकी इससे, हाँ, और बाकी के 200 के सर, व्हाइट भी 250 का है। अच्छा, ये वाला भी, और ये यहाँ पे भी एक व्हाइटिश पे है, यहाँ पे ये है सर, व्हाइट पे थोड़ा सा ग्रे बॉर्डर है बॉडी के साइड में, हाँ, ये भी काफी अच्छा है, ये गोल्डनिश शेड है, और फिन्स और टेल एकदम ट्रांसपेरेंट है इसका, और ये फुल मेटालिक सिल्वरिश है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल सा है, ये देखिए, और बड़ा भी है साइज में ये वाला। और बीटा के फूड्स भी अवेलेबल है ड्राई में? बीटा के फूड्स भी है सर, एक चैंपियन बीटा करके है अपने पास, ये भी काफी अच्छा एक्सेप्ट कर लेते सारे बीटा फिश। अच्छा, ये देखिए मस्टर्ड को डाला उसने, खा लिया तुरंत, हाँ तुरंत खा लिया है, थोड़ा पानी में ये हो जाएगा ना, तुरंत खाएगा वो लोग, दोनों मस्टर्ड ने खा लिया, ये हो जाएगा ना, हाँ, ये देखिए खा रहे हैं। तो इसमें अच्छा प्रोटीन परसेंट भी है, 32% क्रूड प्रोटीन। ये आप अगर जब भी विजिट करोगे तो बीटास ले रहे हो या तो अपने बीटा फिशेस के लिए ये चैंपियन बीटा फीड जरूर लीजिए, तो अच्छा ये फिश फूड है बीटास के लिए। सो ऐसा आप फ्रोजन ब्लड वर्म भी ले सकते हो, ये डबी जो आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ में मिल जाएगा, और एकदम अच्छा क्वालिटी भी है ये, तो ये भी आप बीटा को फीड कर सकते हो। यस सर, ये भी बीटा को हम लोग डाल सकते हैं। हाँ, ये इसमें सर देखिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें 25 to 30 ग्राम, हाँ अच्छा, तो भी क्वांटिटी है सर, देखिए पूरा भरा हुआ रहेगा। हाँ हाँ, और कुछ लोग ऐसा घर में ये स्टोर नहीं कर सकते, तो वन टाइम डालने के लिए ऐसा ले सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ
किसी किसी के घर में अलाउड वगैरह नहीं रहता है। हाँ अभी कैसे बड़ा है बेटा के लिए, तो थोड़ा सा ऐसा हाँ मैं वही ड्रॉप करके दिखा देता हूँ, वो खा लेगा बेटा। या ये देखिए सर, ये तुरंत खा रहा है, ये हैंड हाँ फीडिंग हो जाता है इसको, बराबर। ये देखिए खा लिया उसने। ये देखिए ये भी पूरा टेल्स और फिन्स एकदम ऑरेंज कलर का है और बॉडी एकदम ब्लू है, डार्क ब्लूइश। और यहाँ पे भी एक है पूरा ब्लू, और आप टेल्स और फिन्स देख सकते हो, एकदम रेडिश है, मरूनिश। तो सब एकदम एक्टिव और हेल्दी बीटा स्टॉक है यहाँ पे, और मंथ एंड में भी और भी बहुत प्लकार्ड बीटाज आएंगे। और ये वाले बीटा तो ये क्या रेंज में रहेंगे, ये जो अभी देख रहे हैं हम? ये भी सर, ये ये यहाँ पे है, वो 200 के रेंज के ही है, हाँ रेड एंड हाँ वाइट है सर, ये मस्त है, ये भी अलग है। अलग है थोड़ा, ये देखिए। और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसका भी आप फिन्स देख सकते हो, बॉडी भी पूरा ऐसा गोल्डन ही येलो है, फिन्स एकदम रेड एंड वाइट है। तो सब एकदम यूनिक कलर पैटर्न्स के बीटा से यहाँ पे है। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे पूरा फ्रोजन ब्लड वर्म्स का स्टॉक है, ये पैकेट्स भी मिल जाएंगे ना ऐसे? हाँ यस सर, ये पैकेट्स भी मिलते हैं, ये देखिए, 60 रुपीज़ पर पीस है ये पैकेट। हाँ ये भी एक अच्छा इसमें साइज है इसमें भी। 80 ग्राम तक रहता है, 80-90 ग्राम ऐसा, ओके ओके, 80 से मैं ज़्यादा ही रहेगा, ज़्यादा अच्छा अच्छा खासा स्टॉक है, रहेगा। तो जिनको चाहिए तो वो ले सकता है। सो ये पूरा यहाँ पे भी फिश स्टॉक है, और ऊपर फ्लावर ऑन है, नीचे सब स्मॉल वेराइटीज के फिशेस है। सो एक मैं आपको ब्यूटीफुल सा पॉलिनी सिकलेट दिखाता हूँ। सो ये देखिए, और ये अराउंड रहेगा 3.5 से 4 इंच के बीच में। और ये देखिए इसका कलरेशन, आप स्पॉट्स देख सकते हो कैसा है। तो ये थोड़ा एग्रेसिव रहता है राइट कॉलोनी? यस सर, ये एग्रेसिव सिकलर्स है और साइज भी काफ़ी अच्छा ग्रो होता है इनका भी, हाँ और एक्सोटिक में आते हैं। और इनका प्राइस सर 500 रुपीज़ है ईच। अच्छा, 500 रुपीज़ ईच है। अच्छा फिलहाल अभी ये एक ही है, पर इसका अच्छा कलर और स्पॉट्स आया हुआ है, ये देखिए। सो ये देखिए यहाँ पे सब फ्लावर ऑन्स भी है, और ये SRD फ्लावर ऑन है, और ये भी अराउंड 3 इंचेस का है। यस सर, ये भी 3-3.25 इंच का ऐसा रहेगा, हाँ ए ग्रेड के, ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इनका। और अभी फिलहाल सर ये कम हो गए, पहले अपने पास बहुत सारे थे हाँ और अपने वीडियो में भी कवर हो चुके हैं। देखिए ये देखिए फीडिंग भी अभी, कितना एग्रेसिवली लेता है, हाँ ये थोड़ा उधर भाग रहा था इसके लिए मैंने फीडिंग डाला उसको। और यहाँ पे भी है, ये 1000 के ईच है सर। अच्छा 1000 रुपीज़ ही यस चाहिए। सर, 1000 रुपीज़ पर पीस है, हाँ और इसमें सर 10% डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, ये अभी मतलब लास्ट टू आपको नाइन पीसेस बचे हैं हंड्रेड सर, हाँ ये दो ही है लगभग अभी फिलहाल तो। लगभग मेरे कैलकुलेशन से तीसरा लॉट है, ये दूसरा तीसरा लॉट रहेगा अपना। वीडियो में कवर हो चुकी है सब, हाँ, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है इन फ्लावरेंस को। तो ये आपको 900 तक पड़ेगा डिस्काउंट के बाद, यस वैसे सर, 1000 रुपीज़ का है, तो अभी ये 10% ऑफर चल रहा है इस पे, ये थोड़ा डिस्काउंट हमने ऑफर। वो वहाँ से शिफ्ट किया इधर हाँ करके, इसका हेड डाउन है, दो हाँ दिन में सर इसका हेड पूरा ओपन होगा, अच्छा और सारे कस्टमर्स के फीडबैक बहुत अच्छे आए इसके। हाँ ओके। और यहाँ पे एक SRD फ्लावर ऑन है, इसका हेड भी अच्छा पॉप हुआ है, ये अराउंड 4 इंच तक रहेगा, 4 साढ़े 4। सुपर रेड ड्रैगन SRD फ्लावर ऑन है, और हाँ स्पॉट देखिए बॉडी पे, प्रिंट देखिए कितना अच्छा है इसके बॉडी पे। और ये 2500 रुपीज़ का सिंगल है। अच्छा 2500 का है ये। तो यहाँ पे एक काम्फा फ्लावर ऑन है, और ये अराउंड 4 से थोड़ा बड़ा रहेगा, 4 इंच से। यस हाँ सर, 4 इंच प्लस ही है ये, कंफा है, और कलर देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल है इसका, हाँ और एकदम पैटर्न। ब्लूइश आ गया है पैटर्न इस पे, यस सर, और थोड़ा एक्टिव सा भी अभी है। हेड हाँ निकल रहा है, लास्ट वीडियो में अपना इतना अच्छा हेड नहीं था। हाँ और इसका कैसा रहेगा प्राइस? ये 2000 का है सर, 2000 पर फिश है अच्छा ये, अभी तो हमारे पास लास्ट ही बचा है। और एक है जीबी कंपा है, गोल्डन बेस कंपा, हाँ वो हम लोग बाद में कवर करेंगे सर। हाँ यहाँ पे गोल्डन बेस फ्लावर ऑन है, और ये अराउंड रहेगा कुछ 5 इंच तक, 4 से 5। और यस सर, इसका कैसा रहेगा प्राइस? ये गोल्डन बेस कांपा है, कांपा वराइटी है ये, हाँ और इसका प्राइस रहेगा सर 3500 रुपीज़। अच्छा 3500 वाइट आया जाएगा, है, और ये भी और भी कलर एनहेंस हो जाएगा जैसे जैसे इसको अच्छा टैंक में सेट होएगा। फिलहाल अभी ये एक इतने सिर्फ टैंक में है, अराउंड 1.5 फीट के। यहाँ पे सर तो ये ब्लैक फैंटम है, रोजी टेट्राज है,
हाँ इसमें, और ये 40 रुपीज ईच है। अच्छा, और ये भी कुछ 1.25 इंच के साइज में है, कुछ थोड़े बड़े भी है इसमें। और अनुबियस के आपको पॉट वाइज प्लांट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे। यस सर, अनुबियस के पॉट है 200-250 ऐसे है। अच्छा अच्छा, एक ग्लैबरा अनुबियस है। हाँ, और लोटेक के भी प्लांट्स है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। और बहुत से लाइट्स भी आए हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये टैंक में सर गप्पीज है, ये रेड गप्पीज है। हाँ, और इसमें मेल फीमेल्स है, बहुत सा पूरा टैंक भरा हुआ है ये गप्पी से। इनका कैसा प्राइस? ये 40 रुपीज ईच है सर। अच्छा, और डजन पे लेंगे तो इसका डिस्काउंट हो जाएगा इसमें। हाँ, डजन पे आपको और सस्ता मिलेगा। और फिलहाल यहाँ पे कौन से गप्पी है? ये इम्पोर्टेड गप्पी है सर, ब्लू है, मोजाइक है इसमें। अच्छा, फिक्स है, थोड़ा पीछे गए है सर वो। हाँ हाँ, और उसके फीमेल्स भी है यहाँ पे अवेलेबल। हाँ, है फीमेल्स भी है इसमें। यस सर, वो 100 रुपीज ईच है। अच्छा, 100 रुपीज ईच है। अच्छा, मेल्स और उसके फीमेल्स भी है बैक साइड में, मिक्स है इसमें। अच्छा, अभी थोड़ा सर ये कम हो गए, नहीं तो बहुत सारा स्टॉक आया था इसका भी। अच्छा अच्छा, ये भी 100 रुपीज ईच है सर, और अच्छा। डजन पे लेंगे तो इसको इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, और ये देखिए पूरा जेब्रा डेनियस से भरा है ये टैंक, इसमें भी येलो है, फ्लोरोसेंट ग्रीन है, पिंक है। यस सर, इसमें पिंक है, ग्रीन जेब्रा है, और एक्सेल साइज है, काफी बड़े बड़े है। हाँ, और 1.25 से 1.5 इंच तक है। यस सर, और मैं इनका प्राइस बता देता हूँ सर। ये पिंक है वो 20 रुपीज ईच है, और ग्रीन है वो 25 रुपीज ईच है सर। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे सब नियॉन रेनबोज है इस टैंक में, और गोल्डन पेंचेक्स भी है कुछ ऊपर। ये देखिए गोल्डन पेंचेक्स सर 2.5 इंच साइज का है। हाँ, वो 60 रुपीज ईच है। अच्छा, और ये नियॉन रेनबोज, और नियॉन रेनबोज सर यहाँ पर 40 रुपीज ईच है। अच्छा, 40 रुपीज ईच है। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट मॉलिज है सर ये मिक्स। हाँ, बैक साइड में भी दिख रहे हैं, व्हाइट मॉलिज भी है यहाँ पे। सब 2 इंच तक है साइज इनका। ये 20 रुपीज ईच है सर। अच्छा, 20 रुपीज ईच है। यहाँ पे बलून मॉलिज भी है सर। हाँ, व्हाइट में बलून मॉलिज है। ये 30 रुपीज ईच है। अच्छा, 30 रुपीज ईच है। और ये हार्ली क्वीन रास्बोराज है यहाँ पे। ये सब बड़े साइज के, अराउंड 1.25 इंच तक है साइज इनका। यस सर, ये 1.5 इंच, 1.25 से 1.5 इंच साइज के ऐसे है। हाँ, हार्ली क्वीन रास्बोरा है। हाँ, एक्सेल रास्बोराज बोलते हैं इनको। हाँ, इसमें थोड़ा सा छोटा भी साइज आता है। अच्छा, और ये 60 रुपीज ईच है सर। अच्छा, 60 रुपीज ईच है, तो भी ये सर दिख कल रहा ही है। आए, कल हाँ, आए है, तो थोड़ा कलर ये है, थोड़ा हाँ, ये आलमंड लीफ और उसमें कलर छोड़ेगा ना तो हाँ, इफेक्टिव हो जाएगा, तो और कलर अच्छा शार्प मिलेगा अपने को। तो ये देखिए यहाँ पे प्लेटिनम गार है, और ये अराउंड साइज इसका रहेगा 18 इंच तक, राइट? यस सर, ये 18 इंच प्लस ही है। हाँ, क्योंकि अभी टैंक का जो विड्थ है वो ही 18 इंच है। तो ये अराउंड अभी ज़्यादा करके फिर इसको फीड क्या कर रहे हो? इसको सर हम लोग लाइव गोल्डफिश देते हैं, प्रॉन्स। अच्छा, देते हैं। प्रॉन्स भी खाता है। अच्छा, यस सर, ये लाइव पे ही है अभी। हाँ, मोस्टली ये एलिगेटर वैरायटी है, लाइव खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वो जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होता है सर ये स्टिक वगैरह इस पर। अच्छा, वो बचपन से ही किसी ने खाया तो खाया, नहीं तो नहीं खाएंगे। अच्छा, और उसी में कैसा है सर, ये प्लैटिनम मतलब प्रीमियम रेंज की कार है ना। हाँ, तो थोड़ा हम लोग ज्यादातर लाइव देना प्रिफर करते हैं इसको। हाँ हाँ, ताकि साइज भी अच्छा रहे और ग्रोथ उसका भी, क्वालिटी भी, हाँ, बेस्ट, क्वालिटी भी बेस्ट है इसके लिए सर। तो इसके प्राइस के लिए आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप पे आप ये कर सकते हो, पूछ सकते हो। यस सर, ये प्रीमियम रेंज की प्लैटिनम एलिगेटर कार है, स्पॉटलेस है पूरा। हाँ, और ये देखिए सब कलरफुल सिकलेट्स है यहाँ पे। ये मिक्स मलावी सिकलेट है। हाँ, ए ग्रेड के सर ये सब। हाँ, कलर देखिए कितना प्यारा है इसमें। बनाना सिकलेट्स भी है और ज्वेल सिकलेट्स भी दिख रहे हैं मेरे को। अराउंड सब ये 2.5 इंचेस तक है मैक्सिमम साइज, 2 से 2.5 इंचेस। तो इनका कैसा रहेगा प्राइस रेंज? ये सर 75 रुपीज ईच है। 75 रुपीज ईच। अच्छा, तो 150 रुपये पैर है, काफ़ी है, अच्छा स्टॉक है सिकलेट्स का। ये भी किसी को अगर डजन चाहिए तो ले सकते हैं ना? यस सर, डजन चाहिए तो ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सर ये क्रॉस ब्रीड वेजेज है। अच्छा, दो टाइप के वेजेज आते हैं सर, एक हाइब्रिड और क्रॉस ब्रीड। हाँ, तो हाइब्रिड भी है हमारे पास, हाइब्रिड सस्ते रहते। अच्छा, ये जो है 1000 ईच है। अच्छा, ये इसका जाके आगे जाके जब भी बड़ा बनेगा तभी बहुत अच्छा बनेगा। ये ब्रिडोरी है, वेजा ब्रिडोरी। हाँ, जब ये हमारे पास आए तभी वेजा ब्रिडोरी बोल के आया है। थोड़ा ये कैसा, ये साइज में है ना सर सेम ही दिखते हैं सब। हाँ, ये इम्पोर्टेड लाइन के है और ये साइज में सेम दिखते हैं तो पता नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा होगा ना। हाँ, तो एक्चुअल में इसमें अपने को आइडिया आएगा ये ब्रिडोरी है करके।
अच्छा, ये भी सब 4 इंच के है, थोड़े बड़े ये भी 4 इंच के है सर, यार 4 इंच साइज के है। यहाँ पे सब बड़े साइज के कोइज है, ये सब 7-8 इंच के कोइज है यहाँ पे। यस सर, ये 8 इंच 9 इंच ऐसे 7 इंच के भी है कुछ। हाँ, इसमें मिक्स है, जापनीज कोइज है ये। अच्छा, और ये 900 रुपीज ईच है। अच्छा, 900 रुपया है प्राइस इनका। और भी कोइज का टैंक है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और इसमें कुछ प्लैकोज है राइट? यस सर, प्लैकोज है, वो 40 रुपीज ईच है। अच्छा, ब्लैक वाले साइज 4 इंच साइज 5 इंच साइज ऐसे, और व्हाइट वाले है वो 60 रुपीज ईच है। 60 रुपीज ईच है। अच्छा, उसका भी साइज काफी अच्छा है सर, 5 इंच ऐसा है। हाँ हाँ, तो स्मॉल साइज के जिनको गोल्ड फिशेस चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। यस सर, ये स्मॉल साइज के गोल्ड है, ये 20 रुपीज ईच है। अच्छा, और कोई ऐसा थोड़ा इसमें कॉपर कलर के वगैरह है, हम लोग ऐसा 10 पीसेस 5 पीसेस 6 पीसेस ऐसा लेते हैं ना। हाँ, तो 10 रुपीज ईच देते हैं ये। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे भी सब कोइज है, और ये ट्राई कलर बोल सकते हैं इसमें, रेड ब्लैक और व्हाइट है। ट्राई कलर है, व्हाइट भी है। हाँ, व्हाइट भी है, यहाँ पे रेड एंड व्हाइट भी है। हाँ, मिक्स है ऐसा। हाँ, ये भी 8-9 इंच ऐसे है, 8-9 इंच के है ये भी। और इनका कैसा है, सेम प्राइस है? यस, ये 900 रुपीज ईच है। अच्छा, 900 रुपये का है एक, 1800 रुपये पैर, और अच्छा खासा ये साइज है। और ये देखिए यहाँ पे सब रेड है, अल्बाइनो जाइंट गुरामीज है, फिर ये रेड टेल जाइंट गुरामीज भी है ना इसमें? रेड टेल जाइंट गुरामी है, रेड है, अल्बाइनो जाइंट गुरामी है, ये 4 इंच साइज के है। हाँ, और रेड टेल भी 4 इंच साइज के है। जो रेड आई जाइंट गुरामी है व्हाइट जो अल्बिनो है, हाँ, वो 350 रुपीज ईच है। अच्छा, और जो रेड टेल है ब्लैक वाले, हाँ, वो 1000 रुपीज ईच है सर। 1000 रुपीज ईच है। ये थोड़ा रेयर रहता है और कॉस्टली आता है थोड़ा ये। अच्छा अच्छा, और ये उवारू सिकलेट से यहाँ पे एक पैर देख रहा हूँ मैं। यस सर, इसमें ही 4 इंच साइज के उवारू है, और वो भी 1000 रुपीज ईच है सर। अच्छा, 1000 रुपीज ईच है। अच्छा, ये दो ही बचे अभी अपने पास। हाँ हाँ, और ये एक बड़ा सा रॉयल क्लाउन नाइफ फिश है, ये आराम से 10 से 12 इंच तक रहेगा राइट? यस सर, ये 12 इंच साइज का है, और इसके स्पॉट देखिए, लाइन देखिए कितना ब्यूटीफुल है। हाँ, ये एकदम अलग से इनको एक बड़े से अभी टैंक में रखा हुआ है इसको, तो ये भी ऐसा थोड़ा फास्ट मूविंग फिश है। यस सर, ये फास्ट मूविंग है और मॉन्स्टर्स के साथ रहते हैं, रह सकते हैं, अरवानास वगैरह इन लोग के साथ। अच्छा अच्छा, इसका फिर कैसा है प्राइस? ये 12 इंच साइज की है, और इसका प्राइस है सर 3000 रुपीज ईच। अच्छा, और भी है हमारे पास। अच्छा, क्रोंटोसा सिकलेट्स है यहाँ पे, ये भी सब 3 इंच के है, कुछ बड़े भी है इसमें 3 इंच से भी। यस सर, ये 3.5 इंच साइज के है। हाँ, क्रोंटोसा है, और देखिए यहाँ पे हेड भी इसको थोड़ा थोड़ा निकल रहा है अभी। हाँ, जो पीछे है बड़े बड़े उनको हेड निकल रहे हैं, और काफी ब्यूटीफुल रहते हैं ये। हाँ, ये बड़े होते हैं, बहुत बड़े सिकलेट्स के कंपेरिजन में। अच्छा, और ये मॉन्स्टर के साथ भी जाते हैं, अभी छोटे है, किसी को अगर रेज करके बड़ा करना है तो ले सकते हैं ये। ये अभी फिलहाल हमारे पास 3.5 इंच साइज के है, और इनका प्राइस है 1000 रुपीज ईच। अच्छा, 1000 रुपीज ईच है। अच्छा, सो ये देखिए यहाँ पे सब अल्बाइनो बिचीर्स है, सब ये 3 इंचेस टू 4 इंचेस के है, फिर डेलेजी बिचीर्स भी है इसमें, अल्बाइनो, और एक अल्बाइनो अरवाना भी है, ये कुछ 6 इंच तक साइज है इसका। यस सर, ये 6 इंच का रेडा है अल्बिनो है। हाँ, और इसका प्राइस है 5000 रुपीज। अच्छा, और इसी टैंक में सर अल्बिनो बिचीर्स है। हाँ, ये भी 3.5 इंच ऐसे है, 3.5-4 इंच, और उनका प्राइस है 300 रुपीज ईच। अच्छा, और ग्रीन भी है सर, सेम साइज। हाँ, के ग्रीन भी है, सेम रेट के ही है। अच्छा, और जो दूसरे है डेलेजी बिचीर, ये वाले डेलेजी है, वो 600 रुपीज का ईच है। अच्छा, 600 रुपीज ईच है। और ये देखिए यहाँ पे सब रेड पैरट्स है, येलो पैरट्स है, और काफी अच्छा खासा स्टॉक है इनका। 3 इंच साइज के रेड पैरट है सर, और उसी साइज के येलो पैरट भी है, एक ग्रेड है सब। हाँ, और इसका प्राइस है 375 रुपीज ईच रेड का। अच्छा, और येलो का है 400 रुपीज। अच्छा, इसमें सर एक ग्रेड है करके ये है, और नहीं तो हमारे पास इससे भी थोड़ा सस्ती क्वालिटी के आते हैं, लेकिन हम लोग कैसा क्वालिटी बाद में ये होता है करके ये रखते नहीं। हाँ, ये है वो 375 रुपीज ईच है, और अराउंड 3.5 इंच से 4 इंच तक, 3.5-4 इंच के है ये। यस सर, और यहाँ पे पीकॉक बास है, 5 ही है अभी, और ये कुछ अजुल वैरायटी के है ना ये? यस सर, ये अजुल वैरायटी की पीकॉक बास है, और 4 इंच साइज के, 4 इंच साइज है, 4 इंच ऐसे मिक्स है।
और जस्ट अभी इनको ब्लड वर्म फ्रोजन फीड किया हुआ है, तो आप सबका चमक देख सकते हो। पूरा साइज बड़ा हो जाएगा ना, इनके ऊपर स्पॉट्स आएंगे अच्छे ब्लू कलर के, ऐसे स्पॉट्स आते हैं बीच बीच में ऐसा, टेल के उधर और फिन के उधर, और काफी ब्यूटीफुल लगते हैं ये। और इनका कैसा है प्राइस? और इनका प्राइस है 1000 रुपीज ईच। अच्छा 1000 रुपीज ईच है, अच्छा। और यहाँ पे करवाना है, ये अराउंड रहेगा 10 इंच तक। और कौन सा अरवाना है ये? ये रेड टेल गोल्डन अरवाना है सर। अच्छा, और ये इंडोनेशिया फार्म की है और विथ सर्टिफिकेट और विथ माइक्रोचिप है। हाँ, माइक्रोचिप इनसाइड बॉडी है सर इसका। अच्छा अच्छा, मार्केट में अभी कुछ अरवाना जाए उनका बाहर चिप देते हो सर्टिफिकेट के साथ। अच्छा, थोड़ा वो ऑथेंटिसिटी के थोड़ा सा अगेंस्ट है इसके लिए। हाँ, सस्ते में भी देते हैं लोग। और इसका कैसा प्राइस? ये 10,500 रुपीज का है सर। अच्छा, 10,500 का है। यस सर, ये इंडोनेशिया फार्म की रेड टेल गोल्डन अरवाना है। हाँ, इसके टेल्स पे और फिन्स पे अभी दिखता है पूरा कलरेशन आया हुआ है रेडिश। अभी कैसा है सर, ये व्हाइट बैकग्राउंड है करके? नहीं, इतना दिख रहा नहीं। हाँ, नहीं तो ब्लैक बैकग्राउंड में प्रॉपर और दिखेगा, काफी गोल्डन दिखेगा इसका कलर। हाँ, एक बार बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा तो। इसमें रेड बंजर अरवाना है, एक 1 फीट से थोड़ा बड़ा है ना ये? यस सर, ये 1.5 फीट साइज के है रेड बंजर अरवाना। और देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये बॉडी का साइज देखिए कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 4-5 इंच का विड्थ है इसका। यस सर, लगभग 5.5-6 इंच रहेगा विड्थ इसका। हाँ, और काफी बड़ा है ये, मेरा हाथ देख सकते हैं, ये देखिए तुरंत आ जाता है, रिस्पॉन्ड भी करता है। ये जंबो पैरेट्स है सर, जंबो पैरेट्स नॉर्मल में थोड़ा सा एक अलग वैरायटी आते हैं वो है। हाँ हाँ, और ये भी 6 इंच ऐसे पैरेट्स है। हाँ, 5-6 इंच के साइज में है ये। और इनका कैसा है प्राइस? ये 1250 का ईच है सर। अच्छा, 1250 का एक है ये। और ये काफी बड़े होते हैं सर पैरेट। अच्छा, इसके प्राइस के लिए हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और एक सेक्शन है जिसमें अपर साइड में सब मॉन्स्टर फिशेस है और नीचे भी बहुत से फिशेस है और कुछ अरवानास भी है यहाँ पे। हाइब्रिड स्टिंगर्स है और ये अराउंड रहेंगे हेड टू टेल 1 फीट तक रहेंगे, राइट? यस सर, ये 1 फीट तक रहेंगे, टेल शॉर्ट है इनके। हाँ, और जो बॉडी साइज है वो काफी अच्छा है। हाँ, 8-9 इंच के बॉडी साइज है और ये हाइब्रिड ब्लैक डायमंड में आएंगे। अच्छा, और इनका कैसा रहेगा प्राइस रेंज? ये 16,000 ईच है सर। अच्छा, 16,000 का है ये, देखिए बहुत ही अच्छा पैटर्न है सब में और एकदम डार्क कलरेशन है। और इसमें कुछ क्लाउन नाइक्स भी है अल्बाइनो, राइट? सो ये देखिए यहाँ पे अल्बाइनो क्लाउन नाइफ है और 2 है अभी पैर से, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 है। और ये साइज में मैं बता दूँ 6 इंच तक साइज है इनका। और क्या रहेगा इनका प्राइस रेंज? ये सर 3200 का ईच है। अच्छा, और ये 6-7 इंच साइज है, थोड़ा अल्बिनो मार्केट में अवेलेबल नहीं है सर अभी। हाँ हाँ, तो ये अच्छा खासा इसमें देखिए। सो ये देखिए यहाँ पे वेजा सिकलेट्स है और ये अराउंड सब बोल सकते हैं 4 इंच से प्लस साइज ही है। और इनका क्या है ऐसा प्राइस है? ये सर 500 रुपीज ईच है। अच्छा, 500 रुपये है एक का। और इसमें भी अभी थोड़ा कलरेशन दिख रहा है मेरे को। और ये देखिए यहाँ पे सब सिल्वर अरवानास है, ये सब अराउंड बोल सकते हैं 5 इंच तक साइज है, 5-6 इंच। और अच्छा खासा स्टॉक है यहाँ पे भी, स्मॉल साइज में जिनको अरवानास चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और इनका कैसा रहेगा प्राइस है? ये 5-6 इंच साइज के अरवानास है सर, सिल्वर में है। हाँ, और इनका प्राइस है 1250 ईच। अच्छा, 1250 रुपये प्राइस है इनका सिंगल का। और यहाँ पे भी एक अल्बाइनो अरवाना है, ये भी सर 6 इंच साइज के अल्बिनो अरवाना है। हाँ, और इसका भी प्राइस 5000 रुपीज़ है। अच्छा, 5000 रुपीज़ है। अच्छा, तो ये सब सिल्वर डॉलर है यहाँ पे, ये अराउंड 2-2.5 इंच के साइज में रहेंगे। यस सर, ये 2 इंच साइज में है सिल्वर डॉलर और इसका प्राइस है 40 रुपीज ईच। अच्छा, 40 रुपीज है सिंगल का इसका। तो ये देखिए यहाँ पे रेड टेल कैटफिशेस है और ये सब अराउंड 3-4 इंच के बीच में साइज है इनका। और क्या प्राइस रेंज रहेगा इसका? इनका सर 375 रुपीज ईच है। अच्छा, रेड टेल कैटफिश और साइज है इनका 3.5-4 इंच साइज रहेगा, 3.5-4 है इसमें सर। हाँ, और यहाँ पे ये हाइब्रिड कैटफिशेस है सर ये। हाँ, ये शावलनोस 5 इंच साइज ऐसे है।
अच्छा तो इनका कैसा रहेगा प्राइस भाई? ये 600 रुपीज ईच है। अच्छा 600 रुपये है सिंगल का। ये देखिए तो इसमें भी स्पॉट्स है ब्लैक। तो ये देखिए यहाँ पे अमेरिकन फ्लैग टेल है और ये साइज में अराउंड 5 इंच तक है। और इनका कैसा रहेगा प्राइस? ये सर 4000 रुपीज ईच है। अच्छा ये रेड अमेरिकन फ्लैग टेल है सर अच्छा रेड अमेरिकन और फ्लैग टेल है। 4.5 इंच साइज में है अभी। अच्छा और ये भी साइज और बढ़ेगा ना इनका? 1 फीट तक जाता है ना? यस सर 1 फीट 1.5 फीट ये मॉन्स्टर्स के साथ रहते हैं। अच्छा मॉन्स्टर्स के साथ रहते हैं। यस और ओके किसी को हार्म नहीं करते ये। हाँ तो फिलहाल यहाँ पे 3 है तो और जिनको। कलर भी काफी डार्क होगा ये। हाँ जैसे साइज हो जाएंगे ना और थोड़े बड़े तो हाँ ये तो टेल है एकदम कलर हो जाएगा अमेरिका के रेड। फ्लैग की तरह दिखेगा। हाँ इसके हाँ लिए इनका नाम अमेरिकन फ्लैग टेल बोला गया है। हाँ सो ये देखिए ये 18 इंच का ये टैंक है और हाइट इसका कितना? 1.25 फीट तक रहेगा ना? 1.5 फीट हाइट है सर ये। अच्छा 1.5 फीट का हाइट है इसका। और इसमें ये सब हैकेलीज है, अल्बाइनो हैकेलीज है और ड्वार्फ गुरामीज है और बोलिवियन रैम्स है। और ये देखिए और ये जो लाइट है तो लाइट का भी अच्छा खासा ये देखिए आप पैनल देख सकते हो। हाइट पे है ये अराउंड मैं बोल सकता हूँ 6 इंच तक का इसका ये पैनल है। ये WRGB लाइट है। और ये कंपनी कौन सा है ये? हाँ एक क्वानलंग कंपनी है सर ये देखिए यहाँ पे। ये देखिए। हाँ ये अभी इंडिया में न्यू आया है और एकदम और स्लिम लाइट है ये। और इसमें भी मैं आपको 4 कलर्स मिल जाएंगे तो जैसे चेंज कर सकते हो आप। ये ऐसा फुल वाइट में है ये अभी, फिर रेड टोन में भी है जिसमें रेड सब चालू रहेगा। और ये एक है। सब सारे कलर चालू कर दो हाँ और काफी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। ये हाँ चौदह WRGB लाइट है ये। हाँ 1.5 फीट के टैंक के लिए इन्होंने 14 वैट का लाइट दिया है। 14 वॉट्स का ये लाइट है। तो आप इसका पैनल भी देख सकते हो। अगर आपका कुछ ड्रिफ्टवुड या कुछ ऐसा बाहर तक है तो आपको ये अच्छा खासा 6 इंच का हाइट मिल जाएगा इसमें। और एकदम स्लिम है, मतलब बहुत ही स्लिम लाइट है ये देखिए। बहुत स्लीक है, आप देख सकते हैं मैं ऐसा हाथ घुमा रहा हूँ इसके से। और अच्छा और ये फिनिशिंग है। एडजस्टेबल है सर। ये हाइट हाँ कम ज़्यादा करना है तो करना कम भी है कर तो सकते हैं। एडजस्टेबल है या। ये यूज़र के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने अभी हायर हाइट पे रखा है। ये लगभग 8 इंच रहेगा सर। हाँ 8 इंच आठ है इंच रहेगा पूरा। और और 3 इंच इसमें। हाइट पे भी रख सकते हैं इसको आप। एंगल 3 से 4 इंच हाइट पे। और इसमें और भी अलग अलग साइजेस है अवेलेबल? ये सर 4 फिट साइज तक है। साढ़े चार अच्छा फुट 5 फुट टैंक को आ जाएगा ऐसा। हाँ अच्छा। और ये अल्बाइनो हैकलीज है, इनका कैसा है प्राइस रेंज? यहाँ पे सर ये 3 इंच के 3.5 इंच के ऐसे मिक्स अल्बन हेकलीज है हाँ और इनका प्राइस है सर 1000 रुपीज ईच। अच्छा 1000 रुपीज ईच है। और जो बोलिवियन रैम्स है 3 इंच तक है मेरे को दिख रहे हैं अभी। यस सर ये 3 इंच साइज के है और इनका प्राइस है सर 250 रुपीज ईच। अच्छा 250 रुपये है सिंगल का। और जो ऑस्ट्रेलियन रेनबोज है वो? ऑस्ट्रेलियन रेनबो है सर वो 75 रुपीज ईच है। अच्छा 75 रुपीज ईच उसका है भी वो। साइज काफी अच्छा है हाँ 3 इंच लगभग। तक है साइज यस उनका। सर और ड्वार्फ ग्रामिस? डॉट पूरा में सर 125 रुपीज नीचे। अच्छा 125 रुपीज का है, ये भी 2 इंच प्लस साइज है। सो ये देखिए ये एक और एक टैंक है यहाँ पे जिसमें अपर साइड में आपको मैं बता दूँ टाइगर पैरेट्स है और ये किंग कॉन्ग पैरेट्स भी है इसमें और रेड स्पॉटेड सीवराम है ये देखिए। और ये हाँ चैनल के पीछे सर ये ये भी कुछ अराउंड 8 से 10 इंच का साइज है इसका। और क्लाउन लोचस भी है, फिलहाल अभी एक ही है ये देखिए। यहाँ पे रॉयल क्राउन नाइफ है, अभी यहाँ पे 2 है और ये भी अराउंड 1 फीट के रहेंगे ना? यस सर वो भी 1 फीट के है और जो हाँ हमने देखे ना वही हाँ कलर वही साइज और वही ये है उसका। प्राइस पैटर्न है। भी वही है 3000 रुपीज ईच है। अच्छा। और ये जो सब ये टाइगर पैरेट से ये वाले? अच्छा ये टाइगर पैरट है वो 1400 का है। और ये जो रेड स्पॉटेड सीवराम रेड है? स्पॉटेड सेवरम है सर वो 2000 का है। ये भी हाँ 6 इंच साइज का चेंज का है। है ये। और जो ये ग्रीन वाला? ग्रीन भी वही साइज का है सर 6 इंच साइज का है हाँ और ये 1500 रुपीज का है। क्लाउन अच्छा 1500 का है वो। और ये क्लाउन लोज जो है? लॉज सर 2500 रुपीज का है अच्छा टू और थाउजेंड 5 इंच फाइव साइज का है। ये साढ़े हाँ चार 5 इंच साइज रहेगा।
अच्छा, और ये चैनल कैटफिश? चैनल पे कैटफिश सर 7000 के है। अच्छा, ये 9 इंच साइज के रहेगा, 9 to 10 इंच। हाँ, और ये देखिए यहाँ पे सब प्लैटिनम पोलर पैरेट्स है और पोलर पैरेट्स है, ये अराउंड सब 2 इंच तक साइज है इनका। और इनका कैसा रहेगा प्राइस? ये 60 रुपीज ईच है सर। अच्छा, 1.5 इंच साइज है इसका। हाँ, और प्लैटिनम पोलर पैरेट्स है। हाँ, और ब्लू पोलर पैरेट्स है इसमें। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ नाइफ फिश है। नाइफ फिश सर ये 5.5 इंच ऐसे है साइज के। हाँ, और इनका प्राइस है 375 रुपीज ईच। अच्छा, 375 ईच है। और जो ब्लैक गोश्त है, ये ब्लैक गोश्त है वो सर 175 रुपीज ईच है। ब्लैक गोश्त 175 ईच है, 350 रुपया पैर आपको मिलेगा ब्लैक गोश्त, जो 3-3.5 इंच तक साइज है इनका। और यहाँ पे ये पांडा गोश्त है, राइट? ये पांडा गोश्त है सर, ये 6 इंच साइज के है। हाँ, और कुछ 5 इंच साइज के भी है, ऐसा मिक्स है ये। हाँ, और ये 350 का ईच है सर। अच्छा, 350 का ये सिंगल का है ये, तो बहुत सा स्टॉक है इसका भी। सो ये देखिए यहाँ पे सब वीडियो टेट्रास है, इसमें पिंक है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। ये सर एक्सेल साइज के वीडियो टेट्रा है, छोटे नहीं है इसमें, सब बड़े बड़े है। और इसका प्राइस है सर 40 रुपीज ईच। अच्छा, 40 रुपया है सिंगल का। और छोटे वाले भी अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, उनका 30 रुपीज ईच रहता है सर। अच्छा अच्छा, और ये सब मिल्की वाइट कोइज है और गुरामीज है यहाँ पे, इसमें येलो गुरामीज भी है। 4-4.5 इंच साइज के मिल्की वाइट कोइज है सर ये। हाँ, और इनका प्राइस है 40 रुपीज ईच। अच्छा, 40 रुपए है ये सर। और गुरामीज का प्राइस है 30 रुपीज ईच। हाँ, और गुरामीज भी अराउंड 2.5 से 3 इंच तक है। ये अटर्नी चिकलेट है। हाँ, ये वैसा ही वैजा की तरह रहता है, थोड़ा सा अलग है इसका ये। हाँ, और बॉडी टाइप पैरेलल है इसका, और हाँ, सैंड और इसमें भी बहुत अच्छा लुक आता है इनको। और ये अभी फिलहाल 4-4.5 इंच ऐसे मिक्स है। मिक्स है। हाँ, और ये 500 रुपीज ईच है, एग्जॉटिक वैरायटी में आते हैं ये सर। हाँ, ये आपको सब ऐसा सब जगह पे देखने नहीं मिलेगा। इसका पैटर्न भी आप देख सकते हैं, पूरा ब्लैक स्ट्राइप्स है और फेस भी थोड़ा अलग सा है। और ये टिन फॉइल बार्ब है बड़े साइज के, 150 रुपीज का सिंगल है सर ये। अच्छा, 150 रुपीज का है ये। और ये 6-7 इंच साइज रहेगा। हाँ, बलून शार्क से अल्बाइनो, राइट? यस सर, ये बलून शार्क है। हाँ, दो ही पीसेस है ये, और ये 2200 रुपीज ईच है सर ये। अच्छा, 7 इंच साइज है। हाँ, 2200 का है ये एक। तो ये बड़े साइज का शुभम किन है इसमें? ये सर 5.5 इंच साइज का ऐसा शुभम किन है। हाँ, और इनका प्राइस है सर 200 रुपीज ईच। अच्छा, 200 रुपये है, बड़े है, काफी बड़े है ये। हाँ हाँ, और इसमें जो ब्लैक मोर है, फिलहाल मैं एक पैर देख रहा हूँ वो ब्लैक मोर सर, ये भी 3 इंच साइज का है, 3-3.5 इंच। हाँ, और ये 50 रुपीज ईच है। अच्छा, 50 रुपये का एक है, और 100 रुपीज पैर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक आरापमा है, ये अराउंड 10 इंच तक रहेगा साइज में। और इसका कैसा है प्राइस? ये सर 10,500 रुपीज का है। अच्छा, 10,500 ये सर। हाँ, ये 10 इंच साइज रहेगा अभी इसका। हाँ, और बहुत अग्रेसिव है, फीडिंग को भी काफी अग्रेसिव है। हाँ, और जिसको ऐसे स्मॉल साइज में आरापमा चाहिए अपने मॉन्स्टर टैंक के लिए, तो ये ले सकता है। सो ये देखिए, एक ये 4 फीट का टैंक है, और इसमें सब डिस्कस है, और सिंगल बैंडेड ये रेडुक डॉलर्स है, और बड़े साइज के भी रेडुक डॉलर्स है, जियोफेगस भी है इसमें ये देखिए। और ये जो डिस्कस है स्मॉल वाले, जो अराउंड 2 to 2.5 इंच के रहेंगे, तो इनका कैसा रहेगा प्राइस? ये रेड वैलेंटाइन है सर, 2 to 2.5 इंच साइज है। हाँ, बॉडी साइज, और इनका प्राइस है सर 650 रुपीज ईच। अच्छा, 650 रुपये है। अच्छा, और ये चेकर बोर्ड है। चेकर बोर्ड, हाँ यस सर, ये भी साइज में अच्छे है, देखिए पिन खोलते हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और ये 1000 रुपीज ईच है, और ज़्यादा लेंगे तो सर इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और इसी टैंक में ये जो रेड पांडा है सर, ये 3 इंच साइज के। हाँ, 3 इंच का है ये। यहाँ पे सर ये बड़ा जो बिग साइज के जो फैगस है। हाँ, लगभग 5-5.5-6 इंच साइज के। हाँ, वो है 1500 रुपीज ईच। अच्छा, और ये जो थोड़े से छोटे से, ये 4 इंच साइज के, वो रेड हेड टोपाजिस है, और वो भी दिखाया मैंने सर, वो रेड हेड टोपाजिस ही है। हाँ, और 4 इंच साइज का प्राइस है वो 500 रुपीज का। अच्छा, 500 रुपये है सिंगल का। और रेड हुक डॉलर है वो, रेड ये अपना सिंगल थिन बार, ये सिंगल बार थिन बार बोलते हैं कुछ लोग। हाँ, वो डॉलर है 3-3.5 इंच साइज का है,
और इसका 1000 रुपीज ईच है सर। 1000 रुपीज ईच है। और ये स्पॉटेड डॉलर, स्पॉटेड है वो सर 650 रुपीज का है। अच्छा 650 रुपए का है। तो ये आप देख सकते हो अपर साइड में इसके सब स्पॉट्स है ऐसे। ये जैसा बड़ा होगा सर पूरा बॉडी में स्पॉट आएगा इसके। अच्छा राउंड राउंड ब्लैक स्पॉट है ये डॉट डॉट। हाँ, और ये जो रेड हुक डॉलर है ये, यस सर, ये 4.5 इंच के है। हाँ, और इसका प्राइस है 2000 रुपीज ईच। अच्छा 2000 का है सिंगल। और यहाँ पे ये देखिए सब ऑस्कर्स है, अल्बाइनो फायर रेड है, टाइगर ऑस्कर्स है, इसमें कॉपर ऑस्कर्स भी है। तो ये सब अराउंड 4 इंच तक साइज है इनका। और यस सर ये 4-3 इंच साइज है। और प्राइस रेंज कैसा है इसका? इसका प्राइस सर 300 रुपीज ईच है। अच्छा, इसमें टाइगर है, यहाँ पे ये टाइगर है, ये मोजेक है, अल्बिनो टाइगर है कुछ। हाँ, और जो प्रिंटेड ज्यादा है सब वो मोजेक है। मोजेक है हाँ। और कॉपर भी है। हाँ, और रेड फायर भी है। देखिए यहाँ पे रेड फायर है। और यहाँ पे सर ये नॉर्मल है जो ज्यादा कलर नहीं है। हाँ, वो भी 3 इंच साइज के ही है। हाँ, और ये है 125 रुपीज। अच्छा 125 के है ये वाले। और इलेक्ट्रिक ये ब्लू आकारा है यहाँ पे, ये बड़ा एक पीस ही बचा है सर। ये भी 4 इंच साइज का है, काफी बड़ा है। और ये भी 300 रुपीज का है। अच्छा 300 का है। अच्छा, और ये टैंक में सर ये मैंगो ऑस्कर है, लेमन ऑस्कर भी बोलते हैं कुछ लोग। हाँ, ये कुछ अराउंड 3.5-4 इंच तक है साइज इनका। यस सर सेम साइज है ऊपर जैसे वैसे। और इनका भी प्राइस 300 रुपीज ईच है। अच्छा 300 रुपए ईच है। अच्छा, तो जिनको एकदम येलोइश कलर वाले ऑस्कर पसंद है तो ये ले सकते हैं। तो ये देखिए ये टाइगर ऑस्कर है, ये सर 10-11 इंच साइज का है। हाँ, और इसका प्राइस सर 2000 रुपीज ईच है। अच्छा 2000 रुपीज का है। तो जिनको एकदम बड़े साइज का ऑस्कर चाहिए तो ये ले सकते हो। काफी ये बड़ा है सर ये। हाँ, और अच्छा उसका डार्किश पैटर्न है, पूरा कलर फुल ब्लैकिश है। सो ये 2 फीट का टैंक है। और ये 18 इंच का लाइट है जो इसमें हम लोगों ने सेट किया हुआ है। तो ये देखिए इसका एंगल आप मैं बता सकता हूँ आपको कि ये सर यहाँ तक एंगल है इसका नीचे से, तो ये ऐसा दबेगा भी नहीं। हाँ, तो इसके पास इतना हाइट तो भी मैं बोल दूँ ये 3-4 इंच का रहेगा हाइट टैंक से। पहले वो 8 इंच का था। यस सर, अभी 4 इंच हाइट है। हाँ 4 इंच है, तो भी ये आपको 2 फीट में भी बैठ रहा है ये 18 इंच का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आपका 2 फीट का है वो 2.5 फीट तक भी बैठ जाएगा आराम से। यस सर, ये 2 फीट का 2.5 फीट को आराम से आएगा। हाँ, और अच्छा ये WRGB लाइट है, 2.5 फीट का लाइट है, वो 3 फीट तक आराम से आ जाएगा। हाँ, और यहाँ पे भी कुछ ये कौन से जियो पेगस है? ये सर जियो पेगस के अलग अलग वेराइटीज है। हाँ, इसमें रेड है, टोपाजेस है, और ये जो है वो रेड बाहिया है। हाँ, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा रेडिश ऐसा इसका फिन्स और ये हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये क्या रेंज में रहेंगे वैसे? ये भी 500 रुपीज के है सर। अच्छा 500 रुपीज है, ये भी 4 इंच साइज है। हाँ, और ये देखते ये 4 फीट का टैंक है जिसमें पूरा लो टेक के प्लांट्स है। और ये सब आपको पॉट वाइज मिल जाएंगे यहाँ पे। सो इनका कैसा रहेगा पॉट वाइज? ये 100 रुपीज पर पॉट है सर। अच्छा 100 रुपीज पर पॉट है। और ज्यादा लेंगे जैसे 10-12 लेते हैं तो डिस्काउंट हो जाएगा इसमें। हाँ, तो इसमें भी इन्होंने एक अच्छा सा लाइट लगा के रखा है। और बैक साइड में भी कुछ टैंक्स है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ये 2 फीट का टैंक है जिसमें ये कौन सी सैंड है? ये लेमन सैंड है सर। अच्छा, एंजल के लिए एक सेटअप बनाया है इसमें। हाँ, और हाँ, काफी अच्छा दिखता है ये लेमन सैंड, ब्यूटीफुल लगेगा। इसमें भी थोड़ा सा जो फैगस वगैरह रहेगा तो मस्त लगते है। हाँ, और इसमें कुछ एंजल्स है, तो ऐसे रॉक्स का भी आप अपना टैंक सेटअप कर सकते हो। और एक टैंक दिखाता हूँ 2 फीट का। ये देखिए एक और एक टैंक है 2 फीट का, इसमें सब कार्डिनल्स है और ये चेरी बाग्स है, थाईलैंड ग्लास फिश है बैक साइड में। ये देखिए ये थाईलैंड ग्लास फिश है। हाँ, ये सर हम लोगों ने वो ब्राउन वाटर थीम बनाया था। हाँ हाँ, थोड़ा अभी इसको चेंज करना है करके लिप्स वगैरह निकाले। अच्छा, फिर ये होने के बाद फिशेस ट्रांसफर करके इसमें थोड़ा अलग से और एक सेटअप बनाएंगे। हाँ, ये भी 2 फीट का टैंक है, इसमें भी ब्लैक शुगर सैंड है। ये ड्रिप टूर भी है सर इसमें। हाँ, इंडियन ड्रिप टूर है, मलेशियन भी है। हाँ हाँ, तो ये देखिए सब एक्वेरियम एक्सेसरीज पूरा आया हुआ है स्टॉक इनका। और यहाँ पे ये तो पहले से है ही इनके पास सोबो के भी। और ये सनसन का ये है ऑटो फीडर है। यस सर, ये ऑटो फीडर है AK सीरीज का, सनसन का। हाँ, ये भी मिल जाएगा अपने पास। हाँ, ऐसे सिंगल स्पॉन्जेस है या सिंगल स्पॉन्ज है ये देखिए, ये डबल स्पॉन्ज मिलेगा। डबल स्पॉन्ज भी मिल जाएंगे आपको। सिंगल स्पॉन्ज आप स्मॉल टैंक्स में यूज कर सकते हो अपने। ये अपने पास सर ये 1 किलो के साइज में। हाँ, प्लांटेशन ये अमेज़न सॉइल पर आया है। ये देखिए 1 kg के।
ये अभी जस्ट आया है सर, आप आने से पहले 10 मिनट पहले आया रहेगा। हाँ हाँ, जो थर्मामीटर्स है सर, थर्मामीटर्स आए हुए हैं, फिर वो बीटा का फूड्स भी है, टर्टल फूड्स भी है, बहुत सारा उधर है, खाली सैंपल के लिए हमने इधर रखा है। ये है, ये सर 15 डेज ब्लॉक रहता है। हाँ। अगर किसी को हॉलीडेज जाना है, वीकेंड हाँ। को जाना है, तो ये ब्लॉक इसमें रहता है, वो निकाल के अपने छोटे छोटे फिशेस को डाल के जा सकते हैं एक ब्लॉक। हाँ। फिर अगर आने के बाद निकाल के भी रीयूज करेंगे बाद में ड्राई अच्छा, करके वापस भी तो भी चलेगा सर। ये 15 डेज ब्लॉक है, फिशेस को भूख वगैरह नहीं लगा। देखिए ये मेरा सेटअप है, इसमें मैंने डाल के गया ना 4 दिन, खाली ऑक्सीजन फिल्टर जो रहता है वो नहीं चालू करने का, ऑक्सीजन एक चालू रख देने का एरिएटर ऑक्सीजन, और ये ब्लॉक डाल के जाने का। हाँ। तो जरूरत नहीं है ऐसा 2 दिन उनको फीड डालने का फिशेस को, और पानी भी काफी अच्छा रहेगा इससे, पानी कुछ गंदा नहीं होगा। हाँ। जैसा हम लोग वीकेंड पे जाते हैं 7-8 2 दिन हाँ, 3 दिन या किधर गांव जाते हैं। हाँ। तो बहुत लोगों का एक इश्यू होता है कि मेरे फिशेस शॉप में रख दो। हाँ। तो वाटर चेंज के वजह से वगैरह ये कुछ हार्म होने के ये है, तो उससे अच्छा अपने ही टैंक में ये डाल के, इन्हीं का एक 15-14 डेज ब्लॉक है ये। हाँ। मैं दिखा देता हूँ फोड़ के, अभी देखिए ऐसा ब्लॉक रहेगा, वाइट ब्लॉक रहेगा ये डाल के जाने का। तो इसका लाइव इन्होंने दिया है 14 डेज तक चलेगा, तक चलता है। हाँ। यस, लेकिन मिनिमम एक 5-6 दिन कर सकते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे ये सर छोटे साइज में टॉयज भी है कुछ, ये देखिए ग्रुट। हाँ। ये शिप्स भी है, और ये ऐसे पॉट्स भी मिलेंगे जिसमें आप अपना सिकलेट टैंक या फिर पैरट फिशेस के टैंक्स में यूज कर सकते हो। और इसमें जाके आ जाएंगे वो, अंडे वगैरह देना है वगैरह तो वो। हाँ, इसमें भी अलग अलग कलर है। ये देखिए यहाँ पे ये एक फूड फीड किया है इन्होंने। सो ये कौन सा फूड है? ये सर गैनिसन का डिस्कस प्रिजी करके, डिस्कस एंड प्रिजी। हाँ हाँ, क्रम्बल्स है, क्रम्बल ईटर, सॉरी ईटर्स क्रम्बल है। तो ये यहाँ पे अवेलेबल है ना स्टोर में भी? यस सर, ये अवेलेबल हो जाएगा। टेट्राबिट्स जैसा था ना, सेम वैसा ही फूड है, अच्छा है ये थोड़ा लेकिन सा अच्छा है ये भी। ये देखे, ये सिकलेट वैरायटी के लिए, डिस्कस वैरायटी के लिए। हाँ, ये लोग अच्छा फिशेस से जल्दी खा रहे हैं मतलब, तो ये जल्दी से सब डिस्कस भी इस पे ये कर रहे हैं। ये देखे, तो ये मिल जाएगा आपके इधर? यस, ये भी अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, एक टेट्राबाइट्स को थोड़ा ऑप्शन करके एक हाँ, अच्छा फूड है ये। हाँ, ये देखिए ऑस्कर्स को भी सेविंग वगैरह ही देखिए। हाँ, सब लोग कैसा टेट्राबाइट्स कभी आता है मार्केट में, बहुत सारा टाइम स्टॉक आउट हो जाता है ना। हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा फूड है उसके ऑप्शन में। हाँ हाँ, सैंपल्स भी है राइट? ये देखिए, ये बुकलेट है इनका गैनिसन का, जो मेड इन इंडिया है, और आपको सब सैंपल्स मिल जाएंगे इसमें। टर्टल फूड्स का भी मिल जाएगा, टर्टल स्टिक्स का, ये देखिए सैंपल्स। फिर अलग अलग आपको सब फूड्स के मिल जाएंगे यहाँ पे, सिकलेट्स बोलो, डिस्कस बोलो। ये सर गोल्डफिश का है, गोल्डफिश का है, ये जो अभी हमने ट्राई किया है वो। हाँ, है, वो भी है, और सिकलेट वगैरह सिंकिंग फूड है ये, सिंकिंग फूड है। हाँ, और ये माइक्रो जो छोटे पीसेस रहते हैं हाँ, उनके लिए है ये, वो भी अवेलेबल है। जैसा मार्केट में ऑप्टिमम है माइक्रो, वैसा है ये, छोटे दाने हैं ये, गप्पीज वगैरह ये और भी छोटे। हाँ, उनके लिए है सर ये। हाँ, ऐसे अलग अलग सैंपल्स अवेलेबल है। हाँ, अपने व्यूअर्स सैंपल्स भी मतलब जो यहाँ के लोकल हाँ, एरिया के है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और ये सब बुकलेट में आप देख सकते हैं इनके जो भी प्रोडक्ट्स है, डिटेल्स है सब इनके सैंपल्स है। और ये ऐसे पैकेजिंग में आते हैं ये बॉटल्स, पैकेजिंग काफी अच्छा है सर ये। हाँ, एम्बर कलर है। हाँ, ताकि ये बाहर का लाइट वगैरह का कुछ इस पर इफेक्ट ना हो। हाँ, और गोल्डन कलर के उनके ढक्कन है। हाँ, और थोड़ा सा डार्क कलर है, इसके वजह से अच्छा टिकेगा। और ये ब्लड बॉम देखिए, ब्लड बॉम का भी क्वालिटी अच्छा है ये देखिए। हाँ, ड्राइंग बैग है इसमें। हाँ, ड्राइंग एजेंट करके रहता है, सूखा रहने के लिए। हाँ, मॉइस्चर नहीं पकड़ना चाहिए करके। ब्लड बॉम स्पीड किया है अभी, ये सब ऑस्ट्रेलियन रेनबोज है यहाँ पे। ये गैनिसन का सर ये ड्राइड ब्लड बॉम है, अभी देखिए मैं खिला देता हूँ। ये देखिए काफी अच्छे तरह से खाते है सर ये। हाँ, सब ये सब फटाफट आके खा रहे हैं ये देखिए ना। सो ये देखिए, ये इनका डिस्प्ले टैंक है जिसमें सब मॉन्स्टर फिशेस है, अरवानाज है, जाइंट गुरामी है, ये अराउंड 1.5 फीट का रहेगा, रेड टेल ये कैटफिश है बड़ा, 1 फीट प्लस साइज है। और ये देखिए, ये टाइगर शॉवलनस कैटफिश है, ये भी 1 फीट प्लस है। और किंग कॉन्ग पैरट्स है, ये भी 1 फीट के आसपास है। एलिगेटर गार है,
और अरवानास जो है ये सब 2 फीट के ऊपर ही रहेंगे ना साइज में? यस सर, सिल्वर अरवानास है वो 2.5 फीट साइज के है। अच्छा, तो 3 है यहाँ पे अभी सिल्वर अरवानास, और किंग कॉन्ग पैरेट्स 1 फीट तक के है, तो ये भी मिल जाएंगे ना अगर किंग कॉन्ग पैरेट किसी को लेना है तो? यस सर, सेलिंग के लिए ही है किंग कॉन्ग पैरेट। हाँ, ये 11 इंच तक रहेंगे, 10-11 इंच ऐसे। हाँ ये देखिए, देखिए कलर देखिए कितना अच्छा है। हाँ ये एकदम पिंकिश में है और वो एकदम ऑरेंजिश रेड है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा है पर तो भी ये 6-7 इंच का है साइज। ये छोटे जम्बो पैरेट है, छोटे। अच्छा, किंग कॉन्ग है। हाँ, और वो बड़ा साइज का रेडटेल कैटफिश भी है यहाँ पे, 1 फीट डेढ़ फीट साइज का है वो। हाँ 1.5 फीट साइज है उसका, और ये बाकी क्या है वो 1 फीट साइज के। हाँ और नीचे भी है 1 फीट के। हाँ ये देखिए, और ये जायंट गुरामी देखिए, ये कुछ अराउंड रहेगा 1.5 फीट तक रहेगा ये सवा। यस सर, ये 1.5 फीट साइज का है जायंट गुरामी। हाँ अल्बाइनो रेडा जायंट गुरामी ये। तो ये भी सेल के लिए है? यस सर, ये सेल के लिए, मॉन्स्टर टैंक के लिए लेते बेस्ट है ये भी। हाँ एकदम पिंकिश, ये देखिए कलर है इसका, और वो एक टाइगर शॉवल नॉस कैटफिश भी है राइट, 1 फीट प्लस है वो भी सर, 1.5 फीट साइज का है। अच्छा 1.5 फीट साइज, 16-17 इंच ऐसा रहेगा। अच्छा अच्छा, तो बहुत से इसमें फिशेस है, और एक एलिगेटर गार है यहाँ पे राइट? ये यस सर, ये गोल्डन एलिगेटर गार है। हाँ हाँ 1 फीट प्लस है ये भी। तो आप ऐसा मॉन्स्टर टैंक भी कर सकते हो, ये अराउंड कितना, 6 फीट का रहेगा? यस सर, 6 फीट बाय 3 फीट हाइट है। अच्छा, और 3 फीट विड्थ है। हाँ, और अपर साइड में इन्होंने ऐसा किया हुआ है वाटरफॉल जैसा, ये सैंड और इसका फिल्टर है। हाँ फिल्ट्रेशन पार्ट है, अलग से फिल्ट्रेशन यूनिट है। हाँ ड्रिप टूड सैंड, ड्रिप टूड से सब पास होके आ जाएगा पानी। हाँ उसमें कुछ मनी प्लांट्स भी रखा हुआ है इन्होंने। यस सर, मनी प्लांट्स थे तो थोड़ा सा वो मेंटेन नहीं हुए थोड़ा। तो अच्छा खासा ये बड़ा साइज का टैंक है, इसका पॉन्ड फिल्टर पीछे है सर, ये जो लाइन गए दो पीछे से आए। हाँ तो ऐसे पॉन्ड में भी रख सकते हैं ऐसे बड़े बड़े गुरामी या कैटफिश जिसको चाहिए। इन हाउस पॉन्ड है सर, ये भी हम लोग डिजाइन करके दे देते हैं। अच्छा, बना के सबको। हाँ हाँ ये देखिए पीछे इसके पॉन्ड फिल्टर है इसका, बड़े साइज का है। अच्छा अच्छा, तो बहुत से यूनिक से मॉन्स्टर फिशेज है, आप जब भी ये विजिट करोगे पिक्सी हाउस में तो आपको बहुत सा मॉन्स्टर फिशेज देखने मिल जाएगा यहाँ पे इस डिस्प्ले टैंक में भी, जो आप परचेस कर सकते हो, आप उनसे प्राइस पूछ सकते हो।